हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एप्पल आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं, आखिर ऐसी कौन सी खासियत होती है जो इन्हें इतना खास बनाती है। आइए एक छोटी सी कहानी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं। वह सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के लिए रट्टा मार के पढ़ाई करते हैं। फिर आते हैं एक एवरेज स्टूडेंट्स, जिनको एग्ज़ाम में चोरी करने से डर तो लगता है पर फिर भी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं। फिर आते हैं बैक बेंचर्स, जो कभी चोरी नहीं करते हैं और अपने तरीके से अच्छे मार्क्स लाते हैं। बिल्कुल यही कहानी अभी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में चल रही है। रियलमी, ओप्पो, वीवो, रेडमी, ऑनर जैसी कंपनियाँ सिर्फ अच्छे पैसे कमाने के लिए कैसा भी हार्डवेयर डालकर फ़ोन बेच रही हैं। फिर आती है नोकिया, वन प्लस, मोटरोला और लिनोवो जैसी कंपनियाँ, जो कि दूसरे से चोरी तो करती हैं पर फिर भी यह साबित नहीं होने देती कि हमने डिज़ाइन और हार्डवेयर चोरी की है। उसके बाद आते हैं बैक बेंचर्स, जो कि हैं सैमसंग, एप्पल, गूगल और ब्लैकबेरी जैसी कंपनियां, जो कुछ ना कुछ नया खोजने में लगी रहती हैं। इसलिए इनके स्मार्टफोन्स मार्केट में बहुत देर में लॉन्च होते हैं और इन स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस बाकी स्मार्टफोन के कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी होती है, जो किसी भी टास्क जैसे गेमिंग, कैमरा, वीडियो में अपना 100% लगा देती हैं। इन कंपनीज के फ़ोन एकदम बढ़िया मटेरियल से बनते हैं, जिससे आप आराम से 6-7 साल तो निकाल ही देंगे। बिल्कुल वैसा ही एप्पल फ़ोन के मामले में है। दोस्तों, एक ख़ास बात यह है कि जब आप एंड्रॉयड फ़ोन के स्टोरेज को फुल कर देते हैं तब वह हैंग होना शुरू कर देता है, पर एप्पल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसे कहते हैं रैम मैनेजमेंट, जो कि एप्पल के सिवा किसी भी स्मार्टफोन में इतनी ऑप्टिमाइज्ड तो नहीं है। एप्पल अपने कस्टमर की सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखता है, जैसे कि फ़ोन का हार्डवेयर प्लास्टिक के बजाय मेटल का होना, सिवाय ऐप स्टोर के कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल न करने देना, और प्रोडक्ट में जो भी हार्डवेयर का उपयोग हो वह सब रिसाइकल किए हुए और इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हो। आपको एक किस्सा बता दूं कि जब एक आईफोन यूजर की इन्फॉर्मेशन अमेरिकी सरकार ने एप्पल से मांगी थी, तब एप्पल ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम यूजर्स का डेटा नहीं चुरा सकते, वह कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है, और डेटा नहीं दिया था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट में आपकी इन्फॉर्मेशन और डाटा कितना सुरक्षित है। अब जरा मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आईफोन इतना कॉस्टली बनता है। दोस्तों, आईफोन की डिमांड दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन एप्पल अपने प्रोडक्ट के लिए एक भी हार्डवेयर खुद से नहीं बनाता, बल्कि वो 8 देशों की 23 कंपनियों से आईफोन के 34 से अधिक पार्ट्स को तैयार करवाता है। हालांकि आईफोन में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर एप्पल का ही होता है, एप्पल कंपनी आईफोन की डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट्स को तैयार करता है, फिर उसे बनाने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर से पार्टनरशिप करता है। एप्पल इन कंपनियों से वैसा ही हार्डवेयर तैयार करवाता है जैसा उसने डिज़ाइन किया है। इस काम को अमेरिका के साथ साथ चीन, ताइवान, जर्मनी, नीदरलैंड जैसे देशों में मौजूद कई कंपनियां करती हैं। एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेता है। वह अपने प्रोडक्ट के लिए सबसे उम्दा हार्डवेयर को कलेक्ट करता है। वह देखता है कि किस कंपनी के पास कौन सा हार्डवेयर सबसे बढ़िया क्वालिटी का है। जैसे आईफोन में मिलने वाला डिस्प्ले सैमसंग से तैयार कराया जाता है, वहीं जर्मनी में एक्सेलेरोमीटर, तो जापान में सोनी कंपनी इसका कैमरा मॉड्यूल को तैयार करती है। आईफोन में कुल 34 अलग अलग पार्ट्स 8 देशों की मदद से बनाए जाते हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, नीदरलैंड और यूके शामिल हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार आईफोन के लिए यही कंपनियां उनके पार्ट्स को तैयार करें, इनमें बदलाव भी किए जा सकते हैं। एप्पल इन कंपनियों से ऐसा एग्रीमेंट तैयार करता है जिसके चलते अगर ये कंपनियां एप्पल के पार्ट्स की डिटेल को लीक करती हैं या फिर उसे किसी दूसरे फ़ोन में इस्तेमाल करती हैं, तब उन पर करोड़ों का मुकदमा किया जा सके। अब कोई कंपनी अपने कस्टमर के लिए इतना उन्नत प्रोडक्ट और सिक्योरिटी के साथ प्राइवेसी का इतना ध्यान रखती है तो उसके लिए कंपनी को काफ़ी खर्चा करना पड़ जाता है। इस वजह से भी एप्पल प्रोडक्ट की कीमत सबसे अधिक हो जाती है। और रही बात एप्पल भारत में, तो भारत में एप्पल दूसरे देशों की तुलना में इसलिए महंगा है क्योंकि ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स और जीएसटी जैसे टैक्स उस पर लग जाते हैं, इसलिए वह थोड़ा और महंगा हो जाता है। बाकी आप एप्पल की क्वालिटी और एश्योरेंस को तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।